नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। कोरोना वायरस, इसकी चर्चा अभी पूरे विश्व भर में है और इसके नाम मात्र से ही लोग दहशत में आ जाते हैं। इसको लेकर भारत ही नहीं, पूरे देश, जो तमाम विश्व के अलग अलग देश हैं, वो सब सकते में हैं और इसको लेकर तमाम सरकार, जो भी देश है उसकी सरकार जो है व्यवस्थाएं कर रही हैं। भारत में भी इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई है, इससे बचने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्थाएं भी की जा रही है। साथ ही साथ फोन कॉल पर भी इसकी व्यवस्था की गई है, अगर आप किसी को कॉल करते हैं तो आपको कॉलर ट्यून, कोरोना वायरस से बचाव के तरीके बताए जाते हैं। अब एक तरफ तो जहां सरकार ने इसे सुरक्षा की दृष्टि से लोगों को जागरूक करने के लिए ये किया, लेकिन अब यही कई लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहा है। इस कॉलर ट्यून को लेकर एक कस्टमर काफी नाराज हो गया है और उसने कस्टमर केयर को कॉल किया है इस कॉलर ट्यून को लेकर, और वो क्या कुछ बात करता है पहले आप सुनिए। कोरोना वाला जो रिंगटोन आप लगा दिए हुजूर, इससे हम बहुत परेशान है, कोरोना फट जाएगा, हो जाएगा, इससे हम कोरोना नहीं होने वाला भी रहेगा। ये बताना चाहूंगा मैं आपको जी, ये अनाउंसमेंट को है ना बंद नहीं की जा सकती है सर। कहा है हुजूर? क्योंकि सर ये अनाउंसमेंट है ना भारत सरकार के निर्देशानुसार लागू की गई है, कोरोना वायरस को। नहीं नहीं, भारत सरकार का काम, सरकार को धारे हुए, सरकार के बाप को मोबाइल है, मोबाइल मेरा है, सिम हम खरीदे हैं, रिचार्ज हम कराए हैं, सरकार के बाप को मोबाइल है। अभी हमको कोरोना पुरोना वाला बंद कीजिए, वो सब नहीं चाहिए। माथा दर्द कर गया भैया, कोई भी फोन करता है इन्हें उन्ने से, सब बोलता है तुमने कोरोना बज रहा है महाराज, बंद कीजिए इसको। आप चाहते हैं पर इसे बंद नहीं कर सकते सर, इस अनाउंसमेंट को। हाँ, इस अनाउंसमेंट को बंद नहीं कर सकते सर। अरे महाराज जी, कौन कौन बात करते हैं महाराज जी, कोरोना वाला बजने लगता है, घरों द्वार फोन आता है। बात बिल्कुल सही है सर, पर ये हमारी तरफ से नहीं, सरकार की तरफ से लगाई गई है सर। बीमारी मगते खांसता है उसमें, हो महाराज कोरोना वाला एक लाइन बोलेगा तो बात समझेंगे, इस लाइन पूरा बोलता रहता है, खांसता है, बीमारी हो जाएगा आदमी। बंद नहीं कर सकते हैं, सांझ बीने कम से कम बजेगा, चलेगा, दिन में बंद करके रखिए। क्या सांझ बीने मतलब सुबह शाम बजेगा ठीक है, लेकिन दिन भर बंद करके रखिए। सॉरी सर, पर हम ये हमारी तरफ से नहीं लगाई गई है, सरकार के आदेश के अनुसार लगाई है, तो इसे बंद नहीं कर सकते। सरकार नंबर लाइए, हम बात करेंगे सर। मेरे पास सरकार का नंबर नहीं होना, आपको दे दिया सर मैं। कैसे होगा ये बताइए, क्या सिस्टम करना है इसको? बहुत ये बंद नहीं हो सकती सर। हुजूर बहुत परेशान हो गए हैं, बात सुनिए, है कोरोना नहीं है कोरोना, लेकिन हो जाएगा इसके चक्कर में, बंद नहीं कर सकते सर। ये अनाउंसमेंट बंद नहीं की जा सकती है। तो आपने सुना किस तरीके से जो कॉलर है वह काफी परेशान है, क्योंकि वह जब भी किसी को कॉल करता है तो कोरोना वायरस को लेकर जो कॉलर ट्यून है वह कॉलर ट्यून उसे सुनाई पड़ता है, और उस कॉलर ट्यून की वजह से उसे काफ़ी परेशानी हो रही है, जैसा कि वो बताया। हालांकि कस्टमर केयर की तरफ से ये कहा गया है कि भारत सरकार की तरफ से निर्देश जारी किया गया है, हालांकि वह युवक मानने के लिए तैयार नहीं और वो सरकार से भी बात करने के लिए कह रहा है। मतलब वो सीधे तौर पर कह रहा है कि सरकार का नंबर दीजिए, हम उनसे भी बात करेंगे। बहरहाल ये तो एक बातचीत का अंश है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने यह फैसला लिया कि लोगों को जागरूक किया जाए और प्रत्येक व्यक्ति जो किसी को भी कॉल करते हैं तो उन्हें कॉलर ट्यून में कोरोना वायरस से लेकर कोरोना वायरस से संबंधित निर्देश दिए जाते हैं। तो इसको लेकर कई लोग ऐतराज जता रहे हैं। बहरहाल कहीं ना कहीं यह आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए ही है, तो आप कोरोना वायरस को लेकर सतर्क रहें और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, और आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है इससे संबंधित जो भी अपडेट आएंगे वो हम आपको सबसे पहले पहुंचाएंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।